नाइन्थ साइंस के अभी 3 या 4 रोज पहले हुए पेपर के अंदर जो रिवीजन टेस्ट हुआ उसमें एक बंदूक गोली का अंकिक आया था, और ये अंकिक बहुत कंफ्यूज करके गया बच्चों को। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखा था, जिस तरीके से लिखा है मैं उसी तरीके से यहाँ लिख रहा हूँ कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफिल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफिल के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफिल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। 3 बार इसमें प्रारंभिक शब्द आया है और इसी ने बच्चों को कन्फ्यूज़ किया। वास्तव में प्रश्न क्या है और इसको किस तरीके से किया जाना चाहिए इसको समझ लीजिए। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफिल से, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक सही है, 35 मीटर प्रति सेकंड के, यहाँ होना था क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो कन्फ्यूजन नहीं होता है ना। तो प्रारंभिक वेग की जगह आप समझेंगे इसको क्षैतिज वेग, ओरिजेंटल वेलोसिटी से छोड़ी जाती है, ठीक है। अब ये राइफिल के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पूछा है राइफिल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए, इसके बजाय पूछा जाना था कि राइफिल के पीछे हटने के वेग की गणना कीजिए या राइफिल के प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो चलिए एम बर अब जो दिया है उसको देखते हैं। एम बराबर 50 ग्राम, ये देखिए गोली का द्रव्यमान है तो स्मॉल एम लिख लें। गोली से संबंधित सभी बातों को स्मॉल में लिख दीजिएगा और राइफिल से संबंधित सभी बातों को कैपिटल वर्ड्स में लिखिएगा। तो एम बराबर कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। तो एम बराबर 50 ग्राम गोली का द्रव्यमान, तो ये स्मॉल एम हो गया, ठीक है। अब 50 ग्राम लिखा है तो ये हो गया 0.05 kg या किलोग्राम, क्योंकि यहाँ आप ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम, ठीक है। अब क्यों बदला, इसका कारण क्या है, क्योंकि राइफिल भी जो है वो किलोग्राम में दी है उसका द्रव्यमान, तो वो इसलिए हमने इसको कहा कि इसको भी हम किलोग्राम में बदल लेते हैं। ओके, अब राइफिल का जो द्रव्यमान दिया है वो 4 किलोग्राम दिया है तो हमने उसको 4 किलोग्राम लिख लिया राइफिल का द्रव्यमान, ये कैपिटल एम लिखेंगे। मैंने भी कहा था कि राइफिल से संबंधित जितने भी लेटर्स हैं उनको कैपिटल लिखेंगे और गोली से संबंधित लेटर्स को स्मॉल लिखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब राइफिल से गोली किस वेग से छोड़ी जा रही है तो वो स्मॉल वी लिख लीजिए, 35 मीटर प्रति सेकंड। ये एक्चुअली दागने के बाद गोली का वेग है 35 मीटर प्रति सेकंड। अब दागने के बाद राइफिल का वेग पूछा है जिसको आप प्रतिक्षेपित वेग कह रहे हैं, जिसमें राइफिल क्या होती है पीछे हटती है, वो आपसे पूछा है तो उसको कैपिटल वी लिख लीजिएगा, तो कैपिटल वी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो 2 मान तो आपको गोली के दिए हैं, एक तो गोली का द्रव्यमान दिया जिसको दिया आपको 50 ग्राम तो आपने लिख दिया 0.05 kg, और गोली का जो है वो वेग दिया है 35 मीटर प्रति सेकंड जिसको आपने स्मॉल वी लिख दिया। राइफिल से संबंधित 1 मान दिया है, राइफिल का द्रव्यमान दिया है कैपिटल एम 4 किलोग्राम, और राइफिल का जो है प्रतिक्षेपित वेग जो है वो दागने के बाद वो पूछा है तो वो कैपिटल वी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि गोली दागने के पूर्व निकाय का संवेग होता है गोली दागने के बाद निकाय के संवेग के बराबर। निकाय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर राइफिल और गोली दोनों मिलकर निकाय बना रहे हैं, तो राइफिल का संवेग और गोली का संवेग दागने के पूर्व और राइफिल का संवेग और गोली का संवेग दागने के बाद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चूंकि जो बात हम जानते हैं वो ये है कि जो शुरुआत होती है स्टार्ट होता है वहाँ पर तो क्या होता है, वहाँ पर तो जो राइफिल है उसका और जो गोली है उसका, दोनों ही परिस्थितियों में जो उनका जो संवेग है वो उस निकाय का संवेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो दोनों विराम अवस्था में रहते हैं। तो ऐसे में उसको आपने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर दागने के बाद जो है निकाय का संवेग, तो देखिए द्रव्यमान गुणा वेग, तो ये हो गया आपका राइफिल का कैपिटल एम वी धन, ये हो गया गोली का स्मॉल एम वी, ये बन गया आपका निकाय का संवेग दागने के बाद। तो ये जितने भी आप, अच्छा यहाँ पर क्या था कि जो दागने के पहले चूंकि वेग 0 थे तो यहाँ अगर द्रव्यमान में वेग का गुणा भी करते थे तो 0 हो जाता था, फिर द्रव्यमान में वेग का गुणा करते हैं तो फिर 0 हो जाता था, इसलिए दागने के पूर्व निकाय के संवेग को आप लिख दीजिएगा 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 0 इज इक्वल टू कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी, कैपिटल एम वी को इधर ले लीजिए माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू स्मॉल एम वी, और यहाँ से आप वी को निकाल लीजिए क्योंकि इसका मान आपको निकालना है, तो इट इज़ माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। अब मान भर दीजिए, माइनस टाइम्स लगी रहा है, स्मॉल एम का मान, छोटे एम का मान कितना है 0.05 kg या 0.05 गुणा आपका यहाँ पर जो इसका मान है आपका वी का, स्मॉल वी का वो कितना है 35 मीटर प्रति सेकंड, ये 35 हो गया, और ये कैपिटल एम का मान आपका है 4 kg तो ये 4 हो गया, गुणा कर दीजिए 35 का 0.05 में, 1.75 हो जाएगा बटे 4 माइनस का, और वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.4375 मीटर पर सेकंड, और ये आपका जो है ये जो मान आया है ये आपका क्या है, राइफिल का
जो प्रतिक्षेपित वेग है उसका मान आया, जिस वेग से राइफ़ल जो है पीछे हटती है वो वेग है ये, और ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि जो राइफ़ल है वो गोली के विपरीत दिशा में जाती है। धन्यवाद।